सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक स्प्रे पेंट गन, जो आपने देखा होगा कि टीवी में एड में या ऑनलाइन यूट्यूब पे लोग बाग दिखाते हैं कि कैसे हम एक स्प्रे गन को यूज़ कर सकते हैं अपने घर को पेंट करने के लिए, दीवारों को पेंट करने के लिए। मैंने काफ़ी इस पे यूट्यूब पे रिव्यू देखने की कोशिश करी, वीडियो देखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई मेरे को रिव्यू नहीं मिला, ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला जो अपने इंडिया का हो और मतलब जो कि एडवर्टीज़मेंट ना हो उस कंपनी की, जो एक रियल वीडियो हो और जिससे हमें ये पता लग पाए कि एक्चुअली में ये काम करती है कि नहीं करती, हमें ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। दरअसल मैं अपनी इस वीडियो में अभी तो आपको बताऊँगा कि मैंने ये अमेजन से परचेज़ की थी 3000 के आसपास, और मैं अभी तो इसको आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होता है इसमें, कैसे काम करती है। फ़िलहाल मेरे पास पेंट नहीं है, तो आने वाली अगली वीडियो में मैं पेंट करके भी बताऊँगा कि पेंट से कितने सक्सेसफुल है ये, कितना नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, फ़िलहाल के लिए देखिए कि ये गन किस टाइप की है और कैसे काम करती है। चलिए तो फ्रेंड्स, ये है वो इलेक्ट्रिक स्प्रे गन जो मैंने अमेजन से परचेज़ किया था 3000 रुपये में, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिला है मुझे। ये एक यूज़र मैनुअल है, ये गन है, और ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नोज़ल मिला है अगर ख़राब हो जाता है तो, ये अच्छी बात है, एक एक्स्ट्रा नोज़ल दिया हुआ है। और ये अब गन के बारे में दिखाता हूँ, यहाँ पे आप पेंट डाल सकते हो, ये इसके ऊपर मेंशन है कि आपको कितने क्वांटिटी का पेंट लेना, क्वांटिटी मेंशन है। ये कैमरे में आ नहीं रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, शायद आप देख पा रहे हो, इस पर मेंशन है। तो ये इसकी पाइप है, ये इसको आप रोटेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, डिटैचेबल है क्लीन करने के लिए। और ये है, इसको आपका फ्लो कम या ज़्यादा करने के लिए, इसको ओपन करोगे तो कंप्रेस होएगा, फ्लो कम होएगा, इसको थोड़ा क्लोज करके प्रेस करोगे तो ज़्यादा प्रेस होएगा, फ्लो ज़्यादा होगा। ये लॉक है इसको नोज़ल को निकालने के लिए, ये देखो लॉक प्रेस किया, नोज़ल बाहर आ गई, इसको क्लीन करने में आसानी होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो अलग हो जाएगा, और ये जो पेंट होता है इसी के अंदर से आता है तो इसको आप क्लीन कर सकते हो। ये आगे से ऐसे ओपन करके और ये नोज़ल बाहर निकल आएगी आपकी, जो तो आप इसको थिनर से क्लीन कर सकते हो। इसमें लिखा गया है कि एवरी यूज़ के बाद इसको क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये जाम हो जाएगी। और ये सिंपल सी है, यहाँ से एयर फ्लो होती है और पाइप के थ्रू पेंट उठाता है, जैसा आपकी बाइक में कार्बोरेटर काम करता है उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, ये बर्नौली थ्योरम पे काम करता है कि ऊपर से हाई एयर फ्लो होती है तो नीचे से जो भी लिक्विड है उसको सक कर लेगा, ऊपर खींच लेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ये नोज़ल को आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव भी कर सकते हो कि आपको वर्टिकली पेंट करना है, हॉरिजॉन्टली पेंट करना है। और ये इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, इसको फिक्स कीजिए। और चलिए, अब मेरे पास पेंट तो है नहीं तो मैं इसमें पानी स्प्रे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने इसमें पानी भर लिया है और मैं अब आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पेंट भी दिखाऊँगा स्प्रे करके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता लगता रहे, और इससे रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में पूछिए, मैं पेंट का वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।